श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कचौड़ी पकौड़ी जो भाव आता था भगवान उसको स्वीकार करते और संतों को खिलाते। एक बार वो बुखार आ गया उनको, तो वो लेट गई। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आज लाला को हलवा का भोग लगेगा क्योंकि कन्हैया को हलवा बहुत प्रिय है, और मेरे से कहा था कन्हैया ने कि हलवा खाऊंगा, तो अब मैं तो बना नहीं सकती, तुम बनाओ और भोग लगाना ठीक से। बोले ठीक है माँ। माँ तो उनको बुखार आ रहा था। अब उन्होंने क्या किया, पुजारी जी ने हलवा तो बनाया नहीं और वो दूसरा ही कुछ सामान बना दिया। उस समय बोले चलो रबड़ी है तो रबड़ी का भोग लगा देंगे, हलवा बाद में लगा दें, ऐसा सोचा। तो आनंदमयी माँ को बुखार था, 102 डिग्री बुखार, गर्म शरीर हो रहा था। एक छोटा सा बालक आया और आनंदमयी माँ के पास में कपड़े की पानी की पट्टी सिर पर रख के गया। बोले मैया तू जल्दी ठीक हो जाएगी। आनंदमयी माँ समझी के कोई अड़ोसी पड़ोसी का बालक होगा ब्रजवासी का, इतना कह के भगवान चले गए। तो उनको थोड़ी सी नींद आई और वो निद्रा में देखती हैं कि भगवान को हलवा का भोग नहीं लगा। पुजारी जी को बुलाया उन्होंने और बुला करके कहा, पुजारी जी ठाकुर जी को तुमने हलवा का भोग नहीं लगाया। पुजारी जी चुप हो गए क्योंकि लगाया ही नहीं था। बोले माँ को कैसे पता लगा। बोले ठाकुर जी हमारे स्वप्न में कन्हैया आए थे और हमको कह के गए कि पुजारी जी ने हमें हलवा का भोग नहीं लगाया। उसी समय आनंदमयी माँ स्नान करती हैं और हलवा बना के भगवान को भोग लगाती है। उनकी उधारी खाता चलता था दुकानों पर, भगवान को नित्य नए भोग लगाती हैं, नए वस्त्र धारण कराती हैं। राधा रानी को कम से कम 20 साड़ी पहनाती हैं और जो साड़ी राधा रानी के श्री अंग में रुक जाती है वही पहनाती। बोले हमारी बहू रानी को श्री जी को यही साड़ी प्रिय है, ऐसा भाव था। अद्भुत भक्ति माँ आनंदमयी माँ के, श्री भगवान के चरणों में लाड़ लड़ावे, ये अपने मन को चित्त को शुद्ध रखने और जीवन सुखद बनाने के लिए भगवान की साधना सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी पिक्चर हॉल में जाइए वहां शांति नहीं मिलेगी, आप किसी शादी में पार्टी में जाइए पार्टी में भी शांति नहीं मिलेगी, वहां तो एक दूसरे को देख करके होड़ लगी रहती है, हाँ कंपटीशन रहता है। लेकिन भगवान की साधना में वहां हमारा मन शांत हो जाता है, प्रसन्नता होती, वहां ना अभिमान है, वहां ना तो अभिमान है ना कोई किसी के साथ में कंपटीशन है, वहां तो अपने आप को समर्पित भाव से नए नए भाव भगवान देते हैं और नई नई लीलाएं भगवान दिखाते हैं। आनंदमयी माँ को भगवान का दिव्य दर्शन हुआ है, ऐसे अनेक चरित्र उनके हैं, कितनी बार दर्शन दिया है। इसलिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना हो, हे प्रभु हे मनमोहन अब मैं तुमको रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुम्हें नैनन में, बिठा के तुम्हें नैनन में, अपने नेत्रों में प्रभु को बिठा दे। ब्रज के संत ये भगवान की रूप माधुरी भक्तिमय लीला का भजन गाते हैं और प्रभु की लीलाओं को अपने हृदय में हृदयंगम करते हैं। आइए हम अपनी लीला में प्रवेश होते हैं। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बसा के तुम्हें नैनन में, बसा कर साकी तुम्हें नैनन में, साकी नैनन में, साकी तुम्हें नैनन में, मन
आपकी भक्ति में मेरा एक एक अंग समर्पित है। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की धुन का, इठलाती बज आती पतरी कमर का। I'm not afraid.
संग रमण हमारा राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा हमको दिखा दो कभी ऐसा नजारा भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्राप्त होते हैं। आगे से सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज वर्णन करते 88,000 ऋषियों को, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के उस दिव्य दा इति दा उपदेश के द्वारा देवता दानव मानव तीनों में अपने अपने क्रिया के द्वारा अपना अपना भगवान से प्रेम और अपने जीवन को सुखद बनाया। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं। राजा परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न भगवान से किया था श्री सुखदेव जी से, हे प्रभु, जब श्राप लग गया राजा परीक्षित जी को, इति लंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनी दंश्यतीष्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको सातवें दिन तक्षक डसेगा, क्योंकि उन्होंने जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ध्यान रहे, बहुत लोग कहते हैं अभी तो कलयुग है, इसमें क्या किसी का कुछ नहीं होता, सबका सब कुछ होता है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, बस अंतर इतना है कि 2 साल बाद, 10 साल बाद या 1 महीने बाद। इसलिए ध्यान रखें कहीं ऐसा कर्म ना हो जाए कि किसी की बद्दुआ ना लग जाए। शायद दवा से ना बचें लेकिन दुआ से बच जाते हैं। और ध्यान रखें, दवा से शायद बच जाएं लेकिन बददुआ से नहीं बचते। जीवन में ऐसा कोई कार्य ना हो, आज राजा परीक्षित से अनजाने में ये अपराध हो गया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौश की नदी के तट पर बैठ के तप कर रहे थे, प्रभु का चिंतन कर रहे थे।
जब उनको समाचार मिला कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है, बोले ऐसा भयंकर युग आ गया जिसमें ऋषि मुनियों का अपमान। उन्होंने कौशिकी नदी का जल लिया और क्रोध में आकर के बोले, अभी ब्रह्म तेज लुप्त नहीं हुआ है, यदि अन्यायी अत्याचारी पापी को दंड नहीं मिलेगा तो फिर सृष्टि का विधान कैसे होगा। श्राप दे दिया, इति लंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे अहनि, बोले जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज से सातवें दिन तक्षक डसेगा। राजा परीक्षित अपने राज्य में आ गए, सोने का मुकुट जब उतार के रखा तब उनको पूरा पूर्व ज्ञान होने लगा कि आज मैंने इतने पवित्र कुल में इतना बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। तपस्वी ध्यान में बैठे हुए ऋषि भगवान का चिंतन कर रहे थे और मैंने अभिमान में आकर के इतना बड़ा अन्याय किया। हे विधाता, मेरे से जो अपराध हुआ वो क्षमा करना, यदि मुझे मृत्यु दंड मिले तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे कुल में से कलंक हट जाए। जल से पतला कौन है कौन, भूमि से भारी कौन, अग्नि से तेज है कौन, काजल से कारी। काजल तो छूट सकता है, कोयला की कारोच कलंक छूट सकता है, लेकिन यदि कर्म का कलंक लगा तो वो नहीं छूटता। इसलिए जीवन में, ये मानव जीवन में ऐसा ना हो। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। राजा परीक्षित के पास में गौरमुख नाम का शिष्य आया और शिष्य ने संकेत किया, हे महाराज, आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढिए, आपसे अपराध हुआ है। परीक्षित को दुख नहीं हुआ कि मेरी मृत्यु हो, इसका दुख नहीं है, जितना दुख उनको एक ऋषि के अपमान का हुआ। राजा परीक्षित ने सोचा कि इस अन्न जल के कारण ही मैंने ये अपराध किया, मुझे क्षुधा पिपासा सता रही थी, मैं ऋषि के आश्रम में गया, मैंने अपराध किया, इसलिए मैं अन्न जल का ही परित्याग करता हूं। राजा परीक्षित ने अनशन किया,